जिला में हीट वेव का खतरा बढ़ा, कलेक्टर ने स्कूल संचालन के समय को लेकर जारी किए नए निर्देश। बता दें कि प्रदेश ऐसे ही तपा तो छुट्टियों पर फैसला जल्द हो सकता है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बाद रीवा में भी तेजी से बढ़ रहा है तापमान। मध्य प्रदेश के लगभग आधे जिले लू की चपेट में हैं। कई शहरों में दिन का पारा 43 डिग्री और रात में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को खरगोन का दिन तो सागर की रात सबसे गर्म रही। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बुधवार को भी 22 से ज्यादा जिले लू की चपेट में रहे। भीषण गर्मी के चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा समेत कई जिलों में शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों की टाइमिंग घटा दी गई है। बुधवार को कई जिलों में स्कूल के समय को लेकर फैसला लिया गया है। अगर प्रदेश में ऐसे ही तपा तो स्कूलों की छुट्टियां जल्द शुरू हो सकती है। सामान्य तौर पर स्कूल 30 अप्रैल तक खुले रखे जा सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के 4 बड़े शहरों में भोपाल का दिन तो इंदौर की रात सबसे गर्म रही। जिले में बढ़ती भीषण गर्मी को लेकर एवं हीट वेव के खतरे को देखते हुए हमारी न्यूज वैन की टीम ने प्रमुख वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर आरपी जोशी से चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। तो रीवा जिले में भी काफी गर्मियां बढ़ गई है, और क्या इससे खतरा है, किस तरीके से लोग बचें और क्या कैसे आने वाले समय पे कितनी और बढ़ सकती है? देखिएगा, हमारा जो प्रदेश है उसका जो रीवा संभाग वाला हिस्सा है ये भी एक मध्य प्रदेश का मध्य भूभाग ही है, और इसमें हमें ठंड के समय अधिक ठंड और गर्मी के समय बहुत गर्मी का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए हमारा शरीर कुछ हद तक तो अनुकूलन कर चुका होता है क्योंकि हम इसी वातावरण में रह रहे हैं। परंतु फिर भी चूँकि अप्रैल महीने शुरू हो गया है, इसलिए मेरा ये सलाह भी है कि लू अपने पूरे सबाब पर धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, और जिसको हम सन स्ट्रोक कहते हैं, आम भाषा में लू लगना कहते हैं और मेडिकल की भाषा में सन स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे समय में हमारे शरीर का जो थर्मोस्टेट है वो डॉक्टर लोग बताते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। इससे हमें परहेज़ रखना चाहिए, सावधानियां बरतना चाहिए, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा साधन है। अब जैसे कि हमें मालूम है प्रतिवर्ष ही ये गर्मी पड़ना शुरू होती है धीरे धीरे, फिर एक समय आता है जब बहुत अधिक गर्मी होती है और कहते हैं कि सूर्य वृषभ में गए हैं, रोहिणी में तप रहे हैं। इस प्रकार की जो गर्मी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें उस समय जब सूर्य ठीक हमारे लंबवत किरण भेज रहा होता है, यानी दोपहर का समय होता है 11-12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक का ये एक प्रहर हमें अवश्य बचाना चाहिए। हमारी प्राकृतिक व्यवस्था में 3-3 घंटे के जो प्रहर बनाए गए हैं, उनमें से पहला प्रहर जो सूर्योदय के बाद शुरू होता है उसमें हम बाहरी काम निपटा लें, दूसरे प्रहर में कुछ हद तक थोड़े मोटे काम कर लें, और दो पहर जब हो जाते हैं तो उसी को हम दोपहर कहते हैं। तो दोपहर के बाद हम घर से ना निकलें, और ये पहर हमारा रहेगा 12 से 3 का, पहली बात। दूसरा, इसमें यदि हमें निकलना ही पड़े तो सफ़ेद वस्त्रों को प्राथमिकता दें, क्योंकि ग्रीष्म काल में सफ़ेद जो हमारे शर्ट है, पजामा, पैंट जो भी है, या हमने अपने सिर को ढक रखा है सफ़ेद वस्त्र से, तो उससे जो है ऊष्मा का परावर्तन होता है, ऊष्मा का शोषण नहीं होता। और जितना ज़्यादा कपड़ा डार्क कलर का होगा, काला होगा, ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा, इसलिए हमें सिर को ढक करके और आँखों पर कोई सूर्य की रोशनी के बचाव से रखने के लिए कोई काला चश्मा लगा लें, वो बहुत अच्छा रहेगा, और सफ़ेद वस्त्र पहन करके निकलें। अच्छा हो यदि हमारे पास सुविधा है तो हम कवर्ड वाहन में जाएं, यदि वैसी सुविधा नहीं है तो हम जो है बीच बीच में छाया में अवश्य रुकें, ताकि अपने शरीर के तापमान को नियमित बना सकें। लगातार लंबे समय तक धूप में दोपहर में नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये बीच बीच में पानी पीने से हमारे शरीर से पानी की जो आवश्यक हानि वाष्पन इत्यादि और मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में होती है, उसकी आपूर्ति होती रहती है, और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी पानी की कमी होता है, ऐसा चिकित्सक लोगों का मानना है। और ऐसे पेय पदार्थ पिएं जो प्राकृतिक भी हों, जैसे पुदीना से बनी हमारे जितने भी पेय पदार्थ हैं, शरबत हैं, आम के शरबत होते हैं, खरबूजा, तरबूजा जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ककड़ी, खीरा, इन सब को लें, और सत्तू जो हमारे यहाँ विशेष रूप से बनाया गया एक व्यंजन है, उसको पतला करके ठंडे जल से यदि हम ग्रहण करें तो भी हमें विशेष लाभ होगा।
यहाँ स्कूल भी चल रही है इसमें। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि छोटे छोटे जितने हमारे बच्चे हैं उन्हें और विद्यालय को उन्हें जाना ही पड़ता है, और हम कितनी भी कोशिश करें उनका एक समय ज़रूर धूप में आ जाता है। यदि वो सवेरे विद्यालय गए हैं तो लौटते समय बेचारे खाली पेट होते हैं, उस समय वो विद्यालय से लौट रहे होते हैं। तो यदि हम बच्चों को विद्यालयों के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से ये कहें कि जब वो धूप में निकलने वाले हैं उसके थोड़ा पहले पानी पी लें, ठंडा पानी पी करके निकलें, कान बांध करके निकलें ताकि वो उनको सीधे लू ना लगे, गाल और जो कान हैं वो ढके रहने चाहिए, सिर ढका रहना चाहिए। ऐसे में व्यवस्था हमें बच्चों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए जब भी कभी ऐसा थोड़ा भी एहसास हो कि लू लगने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें आँखें हमारी लाल हो रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, या किसी प्रकार का अनमना जैसा शरीर है, बुखार जैसा, तो हमको ज़रूर तलवों पर जो हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है प्याज का रस मलना चाहिए, है ना, और दूसरे भी ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और अधिक कोई लक्षण मिलने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। बीच बीच में अपना ओरल रिहाइड्रेशन के लिए ORS का घोल है, या हम घर में ही छोड़ा नमक में नींबू और चुटकी भर नमक और शक्कर इत्यादि घोल करके ग्रहण कर सकते हैं। जैसे नौ तपा आने वाला है तो अब अभी कितना टेम्परेचर हाई जा सकता है? देखिए नौ तपा में हम जानते हैं कि कम से कम 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, नौ तपा आरंभ होने के पहले जो तापक्रम होता है वो लगभग 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है। यदि ये अभी हम देख रहे हैं कि 38-40 तक टेम्परेचर चला जाता है, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो करीब 35-33 के करीब है, और बाहर 38 तक है, तो ये हमारा नौ तपा में बढ़ करके 3 डिग्री 4 डिग्री अधिक हो जाता है, तो उस समय हमें विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। धन्यवाद।